दर्शकों, आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह के बारे में। आज शहीद भगत सिंह की जयंती है। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह ब्रिटिश शासकों के खिलाफ लड़ने के कारण जेल में थे। किशन सिंह महात्मा गांधी के अनुयायी थे। उन्होंने सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों का बहिष्कार करने के गांधी जी के आह्वान के बाद स्कूल छोड़ दिया और लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहां उन्होंने यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलनों का अध्ययन किया। भगत सिंह के माता पिता ने उनकी शादी कराने की कोशिश की, लेकिन भगत सिंह ने कहा, अगर मैंने गुलाम भारत में शादी की तो मेरी दुल्हन केवल मौत होगी। भगत सिंह घर छोड़कर कानपुर चले गए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। एक साल बाद मई 1927 में उन्हें काकोरी कांड में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कई हफ्ते बाद उन्हें रिहा किया गया। इस बीच उन्होंने विभिन्न क्रांतिकारी समाचार पत्रों के लिए लिखना शुरू कर दिया। 1928 में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व किया था। पुलिस ने क्रूरता से लाठी चार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने दम तोड़ दिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट की हत्या की साजिश रची, लेकिन इन क्रांतिकारियों ने गलती से जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी। इस घटना को 1929 के लाहौर षड्यंत्र मामले के रूप में जाना जाता है। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और उनके एक सहयोगी ने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक का विरोध करने के लिए दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी की। वे कथित तौर पर जो बम लेकर गए थे वो मारने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए था, और वास्तव में कोई मारा भी नहीं गया था। हालांकि कुछ लोगों को चोट आई थी। हमलावरों ने गिरफ्तार होने और मुकदमा चलाने की योजना बनाई ताकि वे अपनी गतिविधियों को और बढ़ा सकें। भगत सिंह को जेपी सॉन्डर्स की हत्या और लाहौर में बम निर्माण षड्यंत्र मामले के लिए फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के दौरान उन्होंने जेल में भूख हड़ताल का नेतृत्व किया। उन्हें इस मामले में दोषी पाया गया और 23 मार्च 1931 को लाहौर में सुखदेव तथा राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। हर साल 23 मार्च स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि के रूप में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐ वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।